दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है न्यू बोलेरो न्यू प्लस। भाई बहुत लोग जो है चाह रहे थे, बहुत दिन से इंतजार था कि ये जो है 9 सीटर में आए और ये फाइनली 9 सीटर में आ गई है और प्रॉपर आप इसका लेंथ दे सकते हैं काफ़ी अच्छी। आप लगभग आपको 5 मीटर की लेंथ आपको यहाँ पर अब मिलने वाली है। सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, फ्रंट से क्या लुक्स आते हैं पीछे, और एक वॉक अराउंड करेंगे और इसके देखेंगे इंटीरियर में क्या कुछ मिला। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको अब एक नया बढ़िया पावरफुल इंजन मिलने वाला है, जो जिसको आप पहले से चलाते आ रहे हैं, मतलब कि 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन अब आपको 4 सिलेंडर के साथ में मिलने वाली है। तो प्राइस वगैरह सबकी हम बात करेंगे, कितने वेरियंट में आती है, कौन सी वेरियंट बेस्ट और जो टॉप वेरियंट है, सबके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सामने से शुरू करते हैं। तो ये है इसका की, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे महिंद्रा का बढ़िया सा की मिल जाता है। फ्लिप की मिलती है यहाँ पे ये, क्योंकि ये दो वेरिएंट में आती है, आपको P4 और P10 दो वेरिएंट में मिल जाएगी। ये P4 है, बेस वेरिएंट है, और अगर आप नियो में जाते हैं तो वो वहाँ पे आपको 4 वेरिएंट मिलते थे और यहाँ पे आपको 2 ही वेरिएंट में ये गाड़ी अवेलेबल है। फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से ऐसा कुछ मिल जाता है, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, सेम आपको जो नियो में फ्रंट लुक्स आते हैं वही सेम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्रिल आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको प्लास्टिक ग्रिल दिया गया, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको क्रोम नहीं है, लेकिन हाँ ये जो प्लास्टिक है वो चमकदार है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे न्यू महिंद्रा का लोगो आप देख सकते हैं। और हेडलैम्प की बात करते हैं, ऐसा कुछ हेडलैम्प आपको हेलोजन मिल जाते हैं, जैसे इंडिकेटर मिलते हैं इधर। और नीचे देखते हैं तो फोक लाइट यहाँ पे नहीं लगाया गया, ऑप्शन दिए गए हैं आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट ग्रिल, ऐसा कुछ स्किड प्लेट ब्लैक में मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे आपको जो है एयर इंटेक के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल मिल जाता है। बाकी अप्रोच एंगल वगैरह आप यहां से देख सकते हो और ये है ओवरऑल इसका फ्रंट लुक्स, ऐसे कुछ आ जाता है। तो ये था इसका फ्रंट से। ऊपर आपको 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 वॉशर्स मिल जाते हैं, प्रॉपर आप यहां पे देख सकते हो। उधर आपको यहां पे लिखा हुआ बोलेरो न्यू प्लस P4 वेरिएंट BS6। अब हम चलते हैं साइड की तरफ, तो साइड से ऐसे कुछ आपको दिखती है न्यू बोलेरो न्यू प्लस। अब यहां पे आपको इसका लेंथ बड़ा हुआ लग जाएगा, देख रहे हैं आप, और यहां पे आपको प्रॉपर लगता है हाँ यार ये 9 सीटर में। और 9 सीटर में कैसे कुछ दिखती है वो भी अभी हम अंदर चल के बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। अब आपको नियो में 15 इंचेस के मिलते थे टायर, यहाँ पे आपको 16 इंचेस के टायर मिल रहे हैं। 215/70R16 का प्रोफाइल आपको मिल जाएगा और ये बेस वेरिएंट है P4, तो यहाँ पे आपको ऐसे नॉर्मल सा स्टील व्हील दिया गया है, व्हील कैब आपको कंपनी के थ्रू मिल जाती है। और यहाँ पर 180 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन ऊंचाई अच्छी है। यहाँ पे आपको फुट स्टेप्स एसेसरीज का जो पार्ट है वो आपको लगवाना पड़ सकता है और गाड़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग जाएगी और बढ़िया बल्की दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लंबाई बढ़ गई है। और यहाँ से अगर साइड में देखते हैं इंडिकेटर जो है वो फेंडर में मिल जाते हैं, इधर आपको ऐसा कुछ ORB दे दिया गया है। चाबी को मैं अंदर ही रख देता हूँ भाई, अभी अंदर में आएंगे, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ORB हम देख चुके हैं, अब यहाँ पे देखते हैं ना साइड जो ये आपको क्लैडिंग दी गई है, इधर बढ़िया प्रॉपर एक जो प्लेग पट्टी मिल जाती है वो पूरा इससे जुड़ा हुआ है, मतलब जो आप डोर हैंडल्स देखते हैं इससे जुड़ा हुआ है, मतलब देखने में वैसा नहीं लगता, बेस वेरिएंट में ये चीज़ आपको अलग से शो हो रहा है, वो उसी के साथ में कनेक्टेड है और काफ़ी अच्छी लगती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ये हो गया, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो वाइजर वगैरह लगाए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो ये है इसका रियर से लुक्स न्यू प्लस का। अब यहाँ पे बोलेरो न्यू प्लस की आपको बैजिंग मिल जाएगी, तब आपको यहाँ पे से देख सकते हैं। इधर आपको डोर हैंडल जैसे नॉर्मल से मिल जा रहा है और नीचे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ये रिवर्स कैमरा मिल रहा है, मतलब ये एसेसरीज का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा लगाया गया है, ऐसा कुछ आपको साथ में नहीं मिलता। इधर आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए मिल जाता है चीज़ें, इधर आपको जो है स्पेयर व्हील्स मिल रहे हैं। और ये अगर हम इसके टेल लैंप को देखते हैं तो ऐसा कुछ टेल लैंप आपको देखने को मिल जाता है, हेलोजन में ही मिलते हैं, और 2 रिफ्लेक्टर्स इधर आपको पीछे देखने को मिल जाता है। इधर प्रॉपर आप बोलेरो ब्रांडिंग मिलती है और ये यहाँ से देख सकते हैं इधर, और ये देखिए इसका बूट देख सकते हो, बूट क्या बोलते हैं ये, अगर 9 सीटर के अंदर आती इधर आपको को एक्स्ट्रा सीट मिल जाती है, मतलब कि 2 लोग तो आराम से यहाँ पे बैठ से आराम से क्या 2 लोग बैठ सकते हैं वैसे, और 2-4 लोग इधर हो गए, 3 उधर हो गए और 2 और आगे हो गए, तो यहाँ पे प्रॉपर 9 सीटर का ऑप्शन आपको अब मिलने वाले हैं। मतलब कुछ लोग हैं फैमिली पर्पज से भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग हैं फैमिली बड़ी है तो रख सकते हैं, कुछ लोग हैं कमर्शियली भी इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो डिमांड है वो कमर्शियली की आती है, तो उनके लिए ये एक अच्छा जो है सौदा साबित हो जाता है। और इसमें पावरफुल अब इंजन भी मिलने वाला है, नो डाउट काफ़ी ट्रायल एंड टेस्टेड वाले जो है जो एमहॉक 2.2 लीटर डीजल इंजन है वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ, यहाँ पे सीट यहाँ पे आप जो है देख सकते हो ड्राइवर साइड डोर ट्रिम है, ऐसा कुछ मिल जा रहा है।
प्रॉपर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इधर आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। और यहाँ पे बेस वेरिएंट हम देख रहे हैं तो ऐसे मैनुअली आप इसको जो है ORBM को एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। प्रॉपर आप यहाँ देख रहे हो रूफ, जब यहाँ पे अगर आपको फुट स्टेप्स लग जाते हैं तब ये और अच्छी लगेगी और इसमें चढ़ने में आसानी हो जाएगी। अभी हम नियो में हैं और ऐसा कुछ मतलब नहीं लग रहा है कि हाँ यार सीट कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल। यहाँ से आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं और इसको करते हैं बंद। अब हम नियो प्लस के अंदर में और यहाँ से आप ऐसा कुछ देख सकते हो, इग्निशन को हम ऑन करते हैं, चाबी ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए ऐसा कुछ चाबी यहाँ पे मिल जा रही और कहाँ गया, ओके ऐसे चाबी लगाने का ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। इग्निशन को हम ऑन करते हैं और एक आपको नई चीज़ जो मिल रही है वो भी हम दिखाते हैं। ये देखिए इग्निशन ऑन हो चुका है प्रॉपर। और यहाँ पे 6 स्पीड, पहले आपको 5 स्पीड मिल रही, मतलब 6 स्पीड अब आपको यहाँ पे गियरबॉक्स आ गया है। नया जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल 2.2 लीटर जो आपको थार में मिलती है, सामने आप थार देख रहे हैं ना, इस गाड़ी में जो इंजन मिल रहा है वो इस गाड़ी में भी अब आपको मिलेगा। और वो बाहर जो आपको XUV700 दिख रही है वो इंजन सेम अब आपको इसमें मिल रहा है, लेकिन ट्यूनिंग जो है इस गाड़ी के हिसाब से किया जाएगा, ट्यूनिंग किया गया है ताकि आपको बेटर माइलेज जो है मिल सके। और यहाँ पर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है, MID दे दी गई है। और इधर आपको डिजिटली ऐसा कुछ शो हो रहा है, RPM मीटर यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर शो हो रहा है, बाकी जो जो यहाँ पे ट्रिप ए और ट्रिप बी का सेट करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, सेटिंग वगैरह जो भी है ट्रिप ए ट्रिप बी वो यहाँ से कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ थार वाला बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं। ये भाई ये बंद हो क्यों नहीं रहा है, ओके तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अगर तो ये आपको यहाँ पे ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिल जाते हैं, ये स्टीयरिंग ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिल जा रहा है बढ़िया जो है यहाँ पे महिंद्रा न्यू महिंद्रा के लोगों के साथ में आपको स्टीयरिंग मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टीयरिंग भी आपको टिल्ट, और ये देखिए ये जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, अभी थोड़ा सा हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ टिल्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल, इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड देखते हैं ना तो काफ़ी अच्छी लुक्स आपको आने, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है हाँ यार एकदम बेस वेरियंट में हमें और बोलेरो में है। भाई ये बोलेरो नियो प्लस है और बढ़िया आपको यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जा रहे हैं। देखिए टच स्क्रीन आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, इसके थ्रू आप जो है और काफ़ी कुछ इसमें आपको मिल जा रहा है, ब्लूटूथ रेडियो म्यूज़िक सेटिंग एप्स नेविगेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप गाड़ी चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अब फ़ोन में देखने वाला ज़माना गया कि आपको अलग से एक लगाना पड़े, यहीं से आप नेविगेशन ऑन करिए और आराम से मज़ा लीजिए अपने ड्राइव का। यहाँ पे आप AC वेंट्स देख सकते हैं, ऐसे कुछ आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं और उधर भी आपको ऐसे कुछ AC वेंट्स मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या बचा है, हाँ जी देखिए बड़ा सा आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, ऊपर भी आपको ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है बढ़िया, यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। और ये ऐसे कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे इसका सामने से देखने को मिल जाता है। रेट की बात करेंगे इसी में, अब यहाँ पे देखते हैं AC की जो कंट्रोल्स हैं वो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो आपका इसका सेंटर कंसोल है ना वो देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, काफ़ी स्पेसियस लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बढ़िया बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मिल भी रही है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट भी मिल जा रहा है और 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है, इधर आपको कुछ सामान रख सकते हैं, की वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, मतलब आपको डोर में नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, इधर आपको थोड़ा स्पेस मिल जा रहा है। कप फोल्डर्स देख रहे हैं बढ़िया कप फोल्डर्स यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ से आप जो है हैंड ब्रेक्स एक्सेस कर सकते हो और सीट बेल्ट वगैरह मिल जाते हैं। और एक चीज़ की कमी दिख रही है यार, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है, मतलब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आर्मरेस्ट नहीं, क्योंकि ये P4 मतलब बेस वेरिएंट में हमें तो आर्मरेस्ट की वैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ आप जो है एसेसरीज से लगवा सकते हैं, अलग से आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं। अब कम बजट में अगर आपको लेना है, मतलब अब हम प्राइस आपको बता ही देते हैं, क्योंकि ये P4 है तो मतलब आपको एक शोरूम ये 11,39,000 रुपये में ये आती है, अगर टॉप वेरियंट में जाते हैं तो 12,49,000 में वो गाड़ी आपको मिलती है, मतलब कि 1,10,000 ज़्यादा देने पड़ते हैं लगभग। तो ये हो गया, इसका सीट वगैरह हो गया प्रॉपर, आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, पीली लाइट मिलती है। और इधर आपको ऐसा वेंटीमीटर इधर मिल जाता है, IRB वैसे मिल जाते हैं। तो ये हो गया फ्रंट से, ऐसा कुछ चीज़ें आपको हम दिखा दिए। अब क्या चीज़ बच रहा है, हाँ तो भाई ये इधर से आप देख सकते हो, यहाँ पे ESS और इको मोड लगाने का ऑप्शन मिल जाते हैं,
और यहाँ पे आपको लाइट्स के लेवलर मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो आई होप आप जो है फ्रंट की कैबिन देख चुके होंगे। एक बार हम नीचे उतरते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके सेकेंड रो की तरफ चलते हैं और इसको हम बंद करते हैं। ओके तो भाई अब यहाँ से आप एकदम प्रॉपर देख सकते हो अल्ट्रा वाइड में कि ऐसे ही कुछ आपको सीट वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है कि आर्मरेस्ट आपको लगवाना पड़ सकता है, अगर आप टॉप वेरियंट में जाते हो वहाँ पर आर्मरेस्ट लगा हुआ मिल जाएगा। चलो अब सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, जो डोर ट्रिम है, ऐसा कुछ डोर ट्रिम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के जो है बटन्स मिलते हैं, ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल्स मिल रहा है, बोतल होल्डर्स मिल रहे हैं, और ये है इसका सेकेंड रो। अब देखिए, इस सीट को मैंने पूरा पीछे किया हुआ है, तो यहाँ पे अभी तो बैठेंगे नहीं फिलहाल। आप देखते हैं सीट की चौड़ाई कितना अच्छा बढ़िया जो है, थाई सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया। और एक चीज़ आप नज़र डाल रहे हो, क्योंकि ये सीट कवर लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं एक्सेसरीज का पार्ट है, ये सीट कवर जो है बाहर से लगा के दिए जा रहे हैं आपको, ये पूरा प्रॉपर सीट कवर लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको दो हेडरेस्ट जो है यहाँ पर मिल जा रहे हैं, और तीन लोग का सीट है ये, तीन लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं, बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये थर्ड रो सेकेंड रो में है, थर्ड रो में है थोड़ा सा एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, केवल फ्रंट में ही एसी के वेंट्स आपको इसमें मिलते हैं। अब थर्ड रो में चलने के लिए, थर्ड रो में पहले ही दिखा दिया हूँ कि पीछे वाला डोर ओपन करना पड़ता है, वहाँ से थर्ड रो में आप जा सकते हैं। तो थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ आपको मेजर चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, इसमें जो ग्लास जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इसको यहाँ से आप जो है इसको ओपन कर सकते हो थोड़ा जो है एयर इनटेक के लिए। बाकी यहाँ पे सेकेंड रो में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मतलब बेस वेरिएंट में भी आपको चारों पावर विंडो के इधर से कंट्रोल मिलते हैं। ये हो गया इंटीरियर की बात, अब हम इसके इंजन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन सा इंजन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से जो है बोनट ओपन होता है। बोलेरो न्यू प्लस में इंजन की बात करते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो इसका बोनट ओपन हुआ है, और यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ जो है वो नहीं है। और यहाँ पे आपको मिलता है 2.2 लीटर डीजल इंजन, और जो कि मैटे 2S 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आ रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि आपको ये थार में भी मिलता है और XUV700 में भी मिलता है, काफ़ी ट्रायल एंड टेस्टेड है। और ये आपको पावर की बात करते हैं, तो आपको ये मैक्सिमम पावर 118 BHP का विथ 280 Nm का टॉर्क ये निकाल के देती है। वीडियो वॉक अराउंड किए, इंटीरियर आपको दिखाए, इंजन दिखाए, अब हम प्राइस की बात करते हैं। तो अभी हमारे रैलास मोटर रायपुर में, और यहाँ पे ये आपको पड़ती है 11,39,000 रुपये एक शोरूम में। तो ये आपको गाड़ी कैसी लगी, मतलब 9 सीटर में आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अपना सुझाव ज़रूर दें, और क्या आप जो है देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए ले आएंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में।